नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नए वीडियो में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बड़ी खबरें देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, दुनिया के कई देशों ने भारत से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार भारत में जो नया वाला वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, ऐसे हालातों को देखते हुए हांगकांग सरकार ने 20 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो भारत से उड़ानें हैं उनको बैन कर दिया गया है। साथ ही हांगकांग ने पाकिस्तान और फिलीपींस की उड़ानों को भी जो है वो बंद कर दिया है। वहीं ओमान की बात की जाए तो ओमान ने अपने देशवासियों को भारत की यात्रा करने से मना किया है जब तक बहुत ही इम्पोर्टेंट ना हो। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर भारत से जो लोग हैं वो अभी भी ओमान की यात्रा कर सकते हैं। और वहीं ब्रिटेन भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने जा रहा है यहाँ पर नए वाले वेरिएंट को देखते हुए। जब ये फैसला तब लिया जा रहा है जब यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं भारत में पर डे के मिलने लगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, सऊदी अरब ने ऑलरेडी जो अपनी उड़ानें हैं वो 3 फरवरी से बंद कर रखी हुई हैं भारत के अलावा और 20 देशों से। और अभी तक ये कब तक बंद रखेगा सऊदी अरब इन उड़ानों को, अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें, बीते दिन यानी 19 अप्रैल को भारत में कुल 1,75,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। और मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 1600 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है वो हुई है। तो ये है अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। उड़ानों से कैसे लगे आपको कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन होता है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।